से बड़ खबर हॉकी इंडिया रा नुआ सभापति हेले दिलीप तिर्की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलाड़ी तथा पूर्वतन भारतीय हॉकी दल कैप्टेन दिलीप तिर्की निर्वाचित होती विपक्ष में अन्य दुई जन प्रार्थी नामांकन प्रत्याहार करने निर्द्वंद से सभापति भाव में निर्वाचित होती प्रथम ओडिया भाव में हॉकी इंडिया सभापति होवा सहित भारतीय हॉकी सर्वोच्च विभाग संभालिबे दिलीप एबे दिलीप ओडिशा हॉकी प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष अछंती 1995 रु 2010 पर्यंत भारतीय हॉकी दल ने निजर चमत्कार प्रदर्शन देखाई थिले दिलीप स्वर्ण रौप्य भली एकाधिक मेडल सहित नाँ रे रही अनेक रेकर्ड देशर सबुठ अधिक 412 हॉकी मैच से खेली 2003 एशियन गेम्स रे श्रेष्ठ कैप्टेन भाव में मिली स्वर्ण हॉकी रे तांको अतुलनीय अवदान पई 2004 रे तांको पद्मश्री रे सम्मानित करा जायथिला खाली खेल नुहे राजनीति में रही पारदर्शिता 2012 रु 2018 पर्यंत दिलीप राज्यसभा सांसद थिले अधिक आलोचना करने आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एबी सोबया सोबयाजी आपको स्वागत है सोबयाजी कितने खुश हैं ये खबर सुन के दिलीप जी अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं या हम बहुत ही खुश है एक्चुअली एक खिलाड़ी जो दिलीप तिर्की का जितना बड़ा खिलाड़ी हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट बना है वो इससे ज्यादा क्या सौभाग्य होगा हमारा सब हॉकी प्लेयर्स का ये नहीं बोल रहा हूँ मैं वो मेरा बहुत करीब दोस्त है वो उससे ज्यादा हमको पूरा हॉकी का बारे में सोचेगा तो एक पहले बार है एक इतना बड़ा खिलाड़ी जो 3 ओलंपिक खेल चुका है पद्मश्री रह चुका है और बहुत यंग लड़कों प्लेयर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन है वो अभी हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनना ये हमारा सबका सौभाग्य है और हम आशा करते हैं जैसे हम जानते हैं दिलीप तिर्की को वो प्रेसिडेंटशिप का जो संभाल उसमें भी संभाल के वो अच्छा ही करेगा क्योंकि ये एक मैं बोल सकता हूँ ये मेहनत और ये सब कुछ जो उसको जो प्रेसिडेंट बनने का वो श्रेय भी ओडिशा गवर्नमेंट को भी जाता है क्योंकि लगातार ओडिशा गवर्नमेंट सब स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली हॉकी के लिए बहुत बढ़ावा दिया जो भी लास्ट 8-10 साल में वो कोई और स्टेट नहीं कर पाएगा नहीं कर सकते सो इसमें अभी दिलीप तिर्की जो प्रेसिडेंट बनना और एक बोल सकते हैं वैसे भी अभी हॉकी ओडिशा हॉकी प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष हैं दिलीप जी और अभी बाकी ये एक नया बड़ी अभी उनको मिल रहा है जो पद मिल रहा है अभी अध्यक्ष की पद मिल रहा है हॉकी इंडिया का आपको क्या लग रहा है आगे का विजन क्या होगा हॉकी इंडिया का क्या कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा क्या डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि मैं दिलीप तिर्की को ज्यादा ज्यादा लास्ट 3-4 दिन पहले मिला था सो इनके पास बहुत आइडिया है जो भी है हॉकी इंडिया लीग को भी रिवाइव करने का बात चल रहा था और सब स्टेट में हॉकी को इंप्रूव करने का भी बात चल रहा था जैसे इन लोग ने जो पूरा विलेज का मैच शुरू किया था ओडिशा में जो जिसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट आके उसको इनॉग्रेट किया था सो ये सब जैसे डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स और हॉकी जो ओडिशा में हुआ वो सब उसमें दिलीप तिर्की का शामिल होना बहुत और उनसे कंट्रीब्यूशन बहुत था सो इसी वजह से हम बहुत खुश हैं दिलीप तिर्की जैसा आदमी अभी हम हमारा हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बने वो वर्ल्ड की सब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए गर्व की बात है क्या आगे ये भी हो सकता है क्या घर घर में सिर्फ क्रिकेट नहीं भारत में हर घर में हॉकी का जोश भी होगा आगे देखने मिलेगा ये बहुत कठिन है जैसे क्रिकेट को ओवरटेक करना कोई स्पोर्ट्स का आसान नहीं है क्योंकि वो इतना मार्केटिंग और पब्लिसिटी इतना विजिबिलिटी क्रिकेट में है वो बाकी स्पोर्ट्स में नहीं है बट ये हम तो एक्चुअली आसपास आ सकते हैं और जो नंबर 2 गेम तो रह सकता है जैसे हमारा जो ये कुछ दिनों में जैसे हॉकी अभी ग्रो किया है क्या ये आशा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हम वर्ल्ड नंबर 3 और 4 में है बट और भी आगे जैसे भुवनेश्वर ऑर्गेनाइज जो ओडिशा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसी टूर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए तब हॉकी हर जगह में स्प्रेड करेगा सो ये हम ये खाली हम सोचने से नहीं होगा सब गवर्नमेंट जो ओडिशा गवर्नमेंट के जैसा सोचना चाहिए तभी जाके हॉकी पॉपुलर
होगा और विजिबिलिटी रहेगा, जितना टीवी और आपका जो मीडिया में रहेगा उतना ही पब्लिसिटी मिलेगा उसको देख के। सुबह जी, दिलीप जी आपके अच्छे बंधु हैं, दोस्त हैं, ये इतने बड़ी अभी सफलता और इतने बड़ी पद मिली है उनको, आपने उनको कंग्रेचुलेट किया है, फोन किया है आपने? फोन किया है, उन लोग तो आज फोन बहुत बिजी में है, अभी बिजी चल ही रहे अभी, तो मेरे को अभी उन लोग का मौका नहीं मिला, दो बार ट्राई किया था, बहुत बिजी चल रहा था। सभी मैं समझता हूँ बाकी सभी भी उसको कंग्रेचुलेशन दे रहे होंगे, बट वो मेरा एक्चुअली करीब, दिल का करीब है, तो हम कभी भी बाद में भी हम कर लेंगे, बट हम खुश है। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हॉकी इंडिया बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी आलोचना के लिए। ए वि शोभा जी की पूर्वतन हॉकी खेळ आम सहित बाबद आलोचना करुले।